हमारी लाइफ में ना कुछ लोग हमें ऐसे ज़रूर मिलते हैं जिनकी वजह से हमने पास्ट में कुछ ना कुछ दुख परेशानियों को झेला हुआ होता है। हम चाह करके भी ना उनको, उनके बिहेवियर को, उनके नेचर को नहीं भूल पाते हैं, उनकी बातों को नहीं भूल पाते हैं। वो तो अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, बट हम आज भी उनको याद रखते हैं। हम आज भी उनके बारे में सोच करके खुद को परेशान करते हैं। आज भी हम अपने मन को ख़राब करते हैं। या फिर प्रेजेंट में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसकी वजह से हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो कैसे हम लोगों को नज़रअंदाज करना सीखें, कैसे हम ऐसे नेगेटिव लोगों को, उनकी बातों को हम मन से निकालें और अपनी लाइफ में खुश रहें, आज इसी को लेकर बात करूंगी। हाय, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज्बा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। आपका दिल क्यों दुखता है, और अगर दुखता भी है तो इतना क्यों दुखता है कि आप उस चीज़ से खुद को बाहर निकाल ही नहीं पाते हैं? वो चीज़ आपको बार बार पिंच कर रही होती है, बार बार परेशान कर रही होती है। आप कुछ भी और सोचने और समझने की हालत में नहीं रहते हैं। आपका किसी से भी किसी भी चीज़ को लेकर अगर मन मुटाव हो जाता है तो आप बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। मन ही मन आपके बहुत कुछ चल रहा होता है, आप खुद से ही लड़ रहे होते हैं। ऐसे में ना आपके अंदर गुस्सा और नफ़रत भर रहा होता है। आप कोई भी काम करते हैं ना तो उसे गड़बड़ ही करते हैं और अपना गुस्सा ना कहीं और निकाल रहे होते हैं। तो ऐसे में आप किसका नुकसान कर रहे हैं? खुद का नुकसान कर रहे हैं। या फिर आप उससे बात करके सारी चीज़ों को ठीक कर लीजिए, सब कुछ नॉर्मल कर लीजिए, या फिर आप उससे अपने रिलेशन को ख़त्म कर लीजिए, उसे अपने दिल से, दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दीजिए, अपना रिश्ता जो है ख़त्म कर लीजिए। किसी एक सिचुएशन में तो आपको आना पड़ेगा ना, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो आप खुश रह पाएंगे। अगर आप एकदम से जजमेंटल ना होकर और एकदम से हाइपर ना हो, थोड़ा सा रुक जाएं, उस इंसान को भी थोड़ा सा नॉर्मल होने दें और फिर आप उससे बात करें, उस टॉपिक पर नहीं, किसी और टॉपिक पर, उस टॉपिक से हटकर कुछ भी नॉर्मल बात करें, तो पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाए। पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं भर पाएगी। कभी कभी ना छोटी सी छोटी बात को भी ना हम बहुत बड़ा बना देते हैं, क्योंकि हम उस टाइम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम उसके साथ आर्गुमेंट करने लग जाते हैं और कुछ ना कुछ हम गलत बोल जाते हैं या फिर हम गलत तरीके से रिएक्ट कर जाते हैं, और यही सारी चीज़ें ना बहुत बड़ा रूप ले लेती है। छोटी सी छोटी बात ना बहुत बड़ी बन जाती है और उस छोटी बात की वजह से ना हमारी दुश्मनी तक हो जाती है। सालों साल ये दुश्मनी चलती है और इसी वजह से ना हम अंदर ही अंदर उस इंसान को लेकर ना नेगेटिव फील करते रहते हैं। हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आते हैं, हमें वो चीज़ परेशान करती रहती है, जबकि वजह ना बहुत छोटी होती है बट रिज़ल्ट उसका बहुत बड़ा बन जाता है। अगर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है ना तो आपको नज़रअंदाज करना सीखना होगा। ईगो, गुस्सा, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें ना हमारी क्वालिटीज़ को दबा देती हैं। जितना ज़्यादा आप सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा आप दर्द को कम महसूस करते हैं। अगर आप किसी इंसान को बिना कुछ कहे माफ़ कर देते हैं ना, तो ये उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा होती है। इससे आप अंदर से खुशी महसूस करते हैं, आप सेटिस्फाई रहते हैं। अगर वहीं आप लड़ाई झगड़े करते हैं, अगर वहीं आप उससे भिड़ते हैं, आप उसे जवाब देते हैं, तो आपको वो खुशी, वो सुकून नहीं मिलेगा जो आप चुप रह करके बिना कुछ कहे उसे माफ़ करके पा सकते हैं। और ये ना आपको अंदर से हील भी करता है। हम सब ने कितनी प्लानिंग करके रखी है ना अपने कल के लिए, हम सब की चाहतों की लिस्ट कितनी लंबी है, कितना हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हमारी खुशियाँ ना इन्हीं चाहतों की लिस्ट पर डिपेंड होकर के रह गई है। क्यों हमने खुश रहने के लिए इतनी शर्तें बना रखी हैं, क्यों हमें इतनी वजह चाहिए खुश होने के लिए? हमारी लाइफ तो बहुत छोटी है ना, पता ही नहीं है कि हमारी लाइफ कितनी है। ऐसे जिए ना कि आपके मन में कोई भी रिग्रेट ना हो। आपके पास जो भी है, जितना भी है, बहुत है। आपकी खुशियाँ, आपके दुख जो है ना, आपके देखने और सोचने के तरीकों पर डिपेंड करता है। अगर कोई चीज़ ऐसी है ना जिसकी वजह से आप खुश नहीं रह पा रहे हैं, तो उस चीज़ को देखने और सोचने के तरीकों को ना थोड़ा सा चेंज करके देखिए, हो सकता है कुछ बदलाव आ जाए। खुशियों के लिए ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। कभी कभी ना हमारा ओवर एक्साइटमेंट होना भी ना हमें तकलीफ़ दे जाता है, तो इसलिए ना अपने मन को थोड़ा सा स्टेबल करिए। ना तो आपको बहुत सैड रहना है, ना तो आपको बहुत बुरा फील करना है, और ना ही आपको एकदम से सातवें आसमान पर पहुँच जाना है।
कभी कभी ना हमारे अपने ही ना हमें बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, हमें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी कि हम उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं, जितना कि हम उन्हें मानते हैं उतना उनकी तरफ से हमारे लिए नहीं होता है, और ऐसे में ना हम काफ़ी सैड हो जाते हैं। आप उनके लिए जो कुछ भी करते होंगे वो इस चाहत में तो नहीं करते होंगे ना कि वो भी आपके लिए वही चीज़ करें या वैसा ही करें या फिर उतनी ही इम्पोर्टेंस दें। हर जगह गिव एंड टेक चलता है, बट रिश्तों में ना जो आपके बहुत करीब होते हैं उनके साथ अपने रिलेशन को बना के रखना थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। ऐसे में ना एक्सपेक्टेशन भी होती है, बट उसे आपको एडजस्ट करना होगा, इग्नोर करना होगा। खुद का ध्यान रखकर, खुद के रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करके आप खुद को खुश रख सकती हैं। और ऐसे में ना आपके जो करीबी हैं ना उन्हें भी अपनी गलतियों के लिए पछतावा होगा, वो अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहेंगे। चीज़ गड़बड़ हो गई है ना तो उसी बारे में सोचते मत बैठे रहिए, उसी का जिक्र हर वक्त मत करते रहिए, अपनी बातों को चेंज करिए। अपनी बातों को चेंज करने से ना मूड भी चेंज होता है, चीज़ें थोड़ी सी संभल जाती हैं और रिश्ते भी बच जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।